Angelina, what? तुम क्या था ये? मुझे देखकर ऐसे क्यों रिएक्ट किया तुमने? क्योंकि रस्सी चल गई पर पल नहीं गया। किसकी? तुम्हारी की मेरी? पृथ्वी, मेरा मजाक करने का बिल्कुल मूड नहीं है। अरे तो मेरा भी गोल गोल बातें करने का या समझने का बिल्कुल मूड नहीं है। साफ साफ बताओ ना, किसकी रस्सी, किसका बल? इस घर में एक ही इंसान है, तुम्हारी प्रीता जी, जो हर वक्त किसी ना किसी को कुछ ना कुछ सुनाती रहती है। तुम्हें पता है उसने करीना बुआ से कितनी गंदी तरीके से बात की? उनसे बात की तो तुम्हें इससे क्या लेना देना? तुम्हें क्या? क्योंकि उसने करीना बुआ के साथ साथ मुझे भी सुनाया। अच्छा बेबी, जस्ट काम डाउन। स्टॉप इट। और ये जो तुम्हारा काम डाउन वाला डायलॉग है ना, उसे बोलना बंद करो। अगर हर वक्त तुम्हें कुछ ना कुछ सुनाता रहेगा तो तुम्हें कैसा लगेगा? बहुत बुरा लगेगा, उस इंसान को उठा के पटक दूंगा मैं। ऐसा कुछ नहीं कर सकते तुम, क्योंकि तुम्हारे दिल और दिमाग पर आज भी प्रीता राज करती है। हर वक्त प्रीता जी करते फिरते रहते हो यहाँ से वहाँ, इसलिए उसे सपोर्ट करते हो, मुझसे बचाते रहते हो। अरे प्रीता तो प्रीता, सृष्टि भी मुझे सुनाने लग गई। राखी भी मुझे आकर सुनाती, ऋषभ भी सुनाती। घर में एक इंसान नहीं बचा है जिसने मुझे सुनाया नहीं। हर वक्त इस घर में कोई ना कोई मेरी इंसल्ट करता रहता है। अगर ऐसा तुम्हारे साथ हो तो तुम्हें कैसा लगेगा बताओ? बेबी बुरा लगेगा, लेकिन उनका गुस्सा तो मुझ पे। किस वजह? तुम्हारी माँ? माँ पे मत जाना। अच्छा ओके, काम डाउन, मेरी बात सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना। सुन लो। अच्छा है, इस वक्त सुन लो, जितना सुनना है सुन लो, क्योंकि वक्त ना बदलने वाला है। जब वक्त बदलेगा ना, तब तुम बोलोगी और ये सब सुनेंगे तुम्हारी। 50,000 बार सेम डायलॉग मार चुके तुम, आज तक कुछ नहीं कर पाए हो। अब करूंगा, जो आज से पहले कभी नहीं कर पाया वो अब करूंगा। तुम्हारा टाइम चेंज होने वाला बेबी, तुम्हारा टाइम आने वाला है, तुम समझ रही हो? ऐसी कौन सी नई चीज कर लोगे जो तुम आज तक नहीं कर पाए हो? वही जो 50,000 बार नहीं कर पाया वो अब करूंगा मैं। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, वो पंचायती बिजनेसमैन ऋषभ लूथरा इस वक्त कहाँ है? जेल में सड़ रहा है। तो यही तो वक्त है, गोल्डन वक्त। इसी वक्त को मैं बनाऊंगा अपना लकी वक्त। और तुम्हें लगता है कि करण बैठ के तमाशा देखेगा? वो खुद एक तमाशा बन के रह जाएगा। अरे उसके बड़े भैया यानी कि ऋषभ लूथरा जेल में सड़ रहे, और कुछ समय के लिए थोड़ी है, लंबे समय तक सड़ते रहेंगे वो। तो उसको छुड़ाने के चक्कर में छोटे भैया जेल के चक्कर काटेंगे, और मैं इसी दरमियान अपना चक्कर चला लूंगा। यानी कि दोनों भाइयों की फैमिली, बिजनेस, जायदाद, हर चीज पे कुंडली मार के बैठ जाऊंगा। लेकिन अगर वो संदीप ने अपना मुंह खोल दिया तो? नहीं खोलेगा, वो सब तुम मुझ पे छोड़ दो। बेबी मेरी बात सुनो, जिस दिन ये सब कुछ, ये सारा एम्पायर हमारे नाम हो जाएगा ना, उस दिन तुम एक एक से चुन चुन के बता लेना। जिसने भी तुम्हारी इंसल्ट किया ना, उनको सामने खड़ा करना और उनको सुनाना, और उनको सुनना पड़ेगा, ओके? और उस दिन ना जब तुम बोलोगे, तुम्हें कोई कुछ नहीं बोल पाएगा। जानती हो क्यों? क्योंकि तुम्हारा पन्नू बेबी और दुनिया के लिए पीएम पृथ्वी मल्होत्रा तुम्हारे साथ होगा। ऐसा होगा? 100 नहीं, 1000% होगा, 1000%। तुम हो, मुझे लगा कोई नर्स है। हाँ, और मुझे लग रहा था कि तुम सच में लंगड़े हो गए हो। धीरे मोर। अब ये मत कहना कि दीवारों के भी कान है, या किसी को भी तुम्हें मिलने की भी फुर्सत नहीं है। खुद को इतना इम्पोर्टेंस मत दो। हाँ, पहले पहले कॉन्स्टेबल्स का पैरा था, मामला गर्म था, पर अब सब ठंडा हो गया है। तुम्हारी किसी को भी यहाँ पर फिक्र नहीं है क्या? सुदीपा, तुमने मुझे बहुत जल्दी हल्के में ले लिया। तुम्हें लगता है ना मैं इम्पोर्टेंट नहीं हूँ, और ये इम्पोर्टेंस और ज्यादा बढ़ जाएगी। तुम्हें मेरी इम्पोर्टेंस तब समझ आएगी जब मैं ओवरनाइट लाखों का मालिक बन जाऊंगा। कब? इयररिंग तो हो गई, कुछ दिन बाद फाइनल इयररिंग भी हो जाएगी। ऋषभ जेल चला जाएगा, उसके बाद पृथ्वी को तुम्हारी क्या जरूरत? वो तो भूल भी जाएगा कि तुम्हारे साथ कोई डील भी की थी।
एक बूटी कौड़ी नहीं देगा। अगर पैसे चाहिए तो सेकेंड ईयरिंग होने से पहले ही खींच लो, वरना कभी कुछ नहीं मिलने वाला। अरे ऐसे कैसे नहीं मिलने वाला, उस पृथ्वी को अभी फोन मिलाता हूं मैं। क्या कर रही हो? मुझे इम्पोर्टेंट। जब देखो लैपटॉप पे, वैसे मुझे बोलती रहती हो कि ये जो है ये तुम्हारी साधन है। अब मैं भी बोल सकता हूँ ना कि ये मेरा साधना है। वेरी फनी, सीरियस काम कर रही थी पृथ्वी जी। क्या काम कर रही थी कृति? ऋषभ भैया के लिए लॉयर्स ढूंढ रही हूँ अच्छे वाले। आपने देखा ना आज क्या हुआ, उस लॉयर ने बिल्कुल भी अपना काम ढंग से नहीं किया। कितनी एक्सपेक्टेशन थी सबको कि ऋषभ भैया का केस लड़ेगा, अच्छे से लड़ेगा, भैया घर पे वापस आ जाएंगे, कुछ नहीं हुआ वैसा। अब बहुत हो गया, मैं भैया के लिए एकदम अच्छा सा लॉयर ढूंढूंगी एंड सब कुछ ठीक हो जाएगा, देखना। कृति, सॉरी। इट्स ओके, सौतन, चाहिए? एक्सक्यूज मी। ये एक्सक्यूज। आज की तो हियरिंग हो गई और समझ लो ऋषभ लूथरा गया सालों के लिए अंदर, और ये सब मेरी माइंड ब्लोइंग एक्टिंग का कमाल है। हेलो हेलो हेलो, तुम सुन पा रहे हो ना? या सुनकर भी अनसुना कर रहे हो? आगे बोल। बढ़िया है, अब मुझे बताओ जो 60 लाख रुपए देने का तुमने मुझे वादा किया था वो मुझे कब दे रहे हो? जल्दी। जल्दी मतलब? जल्दी मतलब जल्दी। देखो पृथ्वी, मैं यहाँ हॉस्पिटल में तुम्हारी वजह से हूँ, पैसों के लिए। मुझे ठीक तरह से बताओ कि जो वादा तुमने किया था पैसे देने का, वो कब देने वाले हो? कल। कितने? 10 कल, बाकी मिलके बात करता हूँ। फिलहाल बात नहीं कर सकता मैं, फोन रख। लेकिन पृथ्वी जी क्या हो गया, इतना स्ट्रेस्ड क्यों है? किसका फोन था? एम्प्लॉय का, मेरे लिए काम करता है। तुम जानती हो ना, ये लोग मुझे बहुत स्ट्रेस देते हैं। पैसे बोल तो दिया दूंगा, पर कहां से लाऊंगा? संदीप, मैं तुझे बोल रही हूँ, पृथ्वी तुझे बेवकूफ बना रहा है, देख लेना। कल वो तुझे धोखा देगा, फिर कुछ झूठ बोलेगा और उसके बाद काम भी करा देगा और एक पैसा तक नहीं देगा। अरे देगा, मुझे पता है, वो पैसा देगा। नहीं देगा। मैं तो बोलती हूँ तू प्रीता से बात कर ले, वो तो खुशी खुशी तुझे पैसे देने को तैयार थी। हाँ पृथ्वी से थोड़ा कम, पर दे रही थी। तू प्रीता पे विश्वास कर सकता है पर पृथ्वी पे नहीं। दिखने में कितना चालू दिखता है वो। सुदीपा तू भी ना, जहां औरत देखी सपोर्ट करने लग जाती है। हाँ महिला मोर्चा है क्या तेरा? देख जैसे तुझे प्रीता पर विश्वास है ना, मुझे पृथ्वी पर विश्वास है। वो मेरे पैसे जरूर देगा, देखना कल वो मुझे 10 लाख देगा। अच्छा तो इतना श्योर है तो ठीक है, इसी खुशी में मुझे चटपटी चाट खिलाने मार्केट ले चल। पक्का, लेकिन अभी नहीं, 4 बजे के बाद। अभी डॉक्टर राउंड पर आएगा तो मेरा यहाँ होना जरूरी है, उसके बाद तू जहां बोलेगी लेकर चलूंगा। मम्मा मेरा सारा होमवर्क हो गया। प्लीज। गुड गर्ल, देखो आपने कितनी जल्दी जल्दी सारा होमवर्क कर लिया। लेकिन आपको कितना सारा काम देते हैं ना स्कूल में। ओह नो, मेरा एक काम तो रह गया। उसके लिए मुझे चार्ट चाहिए। चार्ट चाहिए? अच्छा ठीक है, हाँ वो तो मैंने दूसरे रूम में रखा है, मैं ला। सामी चाचू, मेरी कैंडी का है। अरे पीयूष सॉरी, मैं भूल गया। वो भाभी जब सुबह कोर्ट में जा रहे थे ना, तब इसने कहा था कि कैंडी लाने के लिए, तो मैं भूल गया। सॉरी पीयूष सॉरी। कोई बात है। अच्छा वो नहीं लाए। ए ज्यादा बड़ी और समझदार होने की एक्टिंग मत करो। ओके ओ सामी, मैं एक्टिंग नहीं कर रही हूं, बड़ी और समझदार हूं। कैंडी नहीं लेने जाओगे? क्यों नहीं? क्यों? मैं भी आपके साथ चल
जानूंगी। अच्छा पीयू को घूमी घूमी जाना है? हाँ मुझे घूमना है। भाभी। हाँ सैमी, पीयू को ले जाओ, उसके लिए चेंज हो जाएगा। हाँ जी भाभी, ठीक है, चलो पीयू। मैं आप भी चलो ना। अजी नहीं। चलिए ना भाभी, चलिए ना। नहीं मुझे बहुत काम है। मम्मा चलो ना प्लीज। चलिए ना भाभी प्लीज। चले चले आ जाओ। चल 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 ये यहाँ क्या कर रही है? बाहर आसमान में तारे भी नहीं निकले अभी, ये तारे काउंट तो नहीं कर रही, मतलब कर क्या रही है यहाँ पर? कहीं ऋषभ के गम में पागल तो नहीं हो गई? हाँ हो सकता है कि दिमागी संतुलन खराब हो गया। मम्मी जी मम्मी जी आप ठीक तो है ना? ऋषभ यही पे भाग के बैठा था, जहां मैं बैठी हूं ना ठीक इसी जगह, जब वो परेशान होता था और घंटों यूं बाहर घूरते रहता था, सोचते रहता था, और फिर अचानक से उसके चेहरे से सारी टेंशन दूर हो जाती थी। इसलिए आज मैं थोड़ी सी परेशान थी, तो सोचा कि जहां मेरा पुत्र आके बैठता था मैं वहीं पे आके बैठती हूँ, शायद मुझे भी मेरी प्रॉब्लम का सलूशन मिल जाए। लेकिन शर्लिन देखो ना, मुझे मेरी प्रॉब्लम का सलूशन नहीं मिल रहा। कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा कि मैं ऋषभ को बाहर कैसे निकालूं, क्या करूं, कैसे करूं जो ऋषभ जेल से बाहर रिहा होके आ जाए। मेरा दिमाग मेरे साथ खेल खेल रहा है, ऐसा लग रहा है कि अभी ऋषभ आ जाएगा और कहेगा माँ मैं आ गया, मुझे पता था अगर मैं नहीं आऊंगा तो आप नाराज हो जाएगी, हमेशा की तरह मेरा ऋषभ बाहर आएगा ना ऋषभ, बोलो ना ऋषभ आएगा। हे भगवान, ये तो इमोशनल लगता है, चार करने की कोशिश कर रही है। अरे इतना भी क्या रोना, जेल ही गया, मर थोड़ी गया। मम्मी जी प्लीज आप रोइए मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कब ठीक होगा, कब ऋषभ वापस आएगा? शलिन मुझे मेरी बातों का जवाब दो। अरे ऋषभ जेल चला गया है, मेरे लिए तो बहुत ही अच्छी न्यूज है, लेकिन एंजॉय कब करूंगी, पहले ये राखी मेरा हाथ तो छोड़े। मम्मी जी प्लीज रोइए मत, अगर आप ऐसे ही रोते रहे सोचते रहे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, और फिर मैं ऋषभ जी से क्या कहूंगी? आप प्लीज चल के आराम कीजिए, मेरे लिए नहीं ऋषभ जी के लिए। लेकिन ऋषभ बाहर कब आएगा, कैसे सब कुछ ठीक होगा? पहले इसे जाकर इसके कमरे में छोड़ के आती हूँ, फिर सेलिब्रेट करूंगी कुछ मीठा खाकर। पीहू बेटा ऐसे नहीं चिल्लाते हैं, किसी को लग सकती है रोड पे, डिस्टर्ब होता है। क्या हुआ पीहू? मम्मा मुझे कैंडी फ्लोस चाहिए। सैमी आपको नहीं चाहिए? नो मैं डाइटिंग कर रहा हूँ, डाइटिंग खानी पड़ेगी। खानी पड़ेगी, चलो ठीक है आज डाइटिंग कैंसिल करते हैं, पीहू की बात मान लेते, ठीक है मैं गाड़ी लगा के तो फिर खाएंगे। ओके 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 चलो आप पीहू, मैं आपको कैंडी फ्लोस दिला देती हूँ, कार पार्क करके आ जा। ठीक है भाभी। अब तो तुम खुश हो ना? मैं इतनी मनी माइंडेड नहीं, मेरी इतनी सी खुशी के लिए तुम्हारे अकाउंट में लाखों का होना जरूरी नहीं। अरे सुधी है अभी नहीं मिल गए। क्या मिल गए? वो देखो गोलगप्पे मुझे खाने हैं। चलो मम्मा टू दो बना दीजिए। नहीं नहीं टेन टेन नहीं इच्छा, आप ऐसा करिए तीन बना दीजिए। ये बलून
अरे अब आपको बलून चाहिए? कौन सा वाला? सारे कलर। भैया फिर आप ऐसा करिए, ये पीहू आपको तो कॉटन कैंडी चाहिए थी ना, अब बलून खरीद रहे हो, इधर मम्मा को तंग करिए ना, जो मम्मी को तंग करिए। इसे सारे कलर्स चाहिए। मैडम आपका हो गया कैंडी फ्लोस। संदीप था। समीर जल्दी आओ इधर। एक सेकंड मैडम, यहीं बैठना। पीयू का ख्याल रखना। ये तो संदीप है। अच्छा खासा चल रहा है, भाग रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? संदीप एक मिनट, संदीप तुम तो चल सकते हो। हाँ तो सभी चल ही रहे ना, चल सकते, इसमें कौन सी बड़ी बात है? I'm sorry, मुझे लगा कि कोई और है। क्या मैडम आप भी है? अभिजीत से देखा था, वो तो संदीप ही था, लेकिन वो गायब कहाँ हो गया? ये बन गई पीहू की खीर। अरे आराम से गिरते पड़ते क्यों आती रहती है? तू कहाँ गई थी? अरे पीहू के लिए चॉकलेट्स लाने गई थी मैं। चॉकलेट्स लाने? तेरा दिमाग खराब है, छोटे से बच्चे को चॉकलेट खिलाएगी? अरे उसके दांत खराब हो जाएंगे, और क्यों बिगाड़ रही है तू उसे? अरे बिगाड़ना, चॉकलेट खाने से कौन बिगड़ता है? बच्चे तो चॉकलेट से खाते हैं ना माँ। बच्चे कोई चॉकलेट नहीं खाते, बच्चे वो खाते हैं जो उनकी निन्ना अपने हाथों से बनाती है। चॉकलेट से कोई खुश नहीं होगी वो, मैं तुझे बता रही हूँ। और ये तो कैसरोल में क्यों डाल रही है? अरे सीक्रेट है माँ, जब आप अपने हाथों से बना हुआ खाना पीहू को खिलाओगे तो मैं भी पीहू को बोलूंगी कि ये सारे चॉकलेट मैंने बनाए हैं, खुश हो जाएगी। झूठी है तू एक नंबर की, और छोटे से बच्चे के साथ झूठ बोलेगी। ये चॉकलेट तूने अपने हाथों से बनाई? अरे ये तो तू मार्केट से लेकर आई है। ये खीर मैंने अपने हाथों से बनाई, इतने प्यार से बनाई है। इस खीर का स्वाद ना इसलिए बढ़ गया क्योंकि मैंने अपना प्यार इसमें डाला है। अच्छा। लेकिन तेरा प्यार ना उस चॉकलेट में नहीं है, वो तो जो चॉकलेट बनाने वाली कंपनी है ना उसने डाले है वो प्यार। इसीलिए देखना वो आएगी ना तो तेरे चॉकलेट को हाथ भी नहीं लगाएगी, मेरी खीर खाएगी। अरे मम्मा आजकल के बच्चे खीर नहीं खाते हैं, वो लोग चॉकलेट में इंटरेस्टेड होते हैं। देखना जब पीहू आएगी ना तो खीर छोड़ के चॉकलेट खाएंगे। पर तू भी तो आके जल्दी से जल्दी ये खीर खाती है, चॉकलेट ही खाती है, फिर देखते हैं ना वो क्या खाती है। बड़ी होगी उनकी, दिमाग तो हमेशा बच्चों जैसा ही रहता है। करण भी आने वाला था लेकिन उसे किसी काम से पुणे जाना पड़ा। अरे दी मैंने मामा को पहले ही बता दिया था। हाँ पीहू, मासी ने अपने पीहू के लिए स्पेशली चॉकलेट अपने हाथों से बनाई है। अम्मा प्लीज मेरी पोल मत खोल देना। अरे बच्चों को क्या मालूम चॉकलेट्स कौन बनाता है, कहाँ से आती है, प्लीज मेरी खुशी के लिए। पर ये टेन चॉकलेट तो मेरे घर पे भी है। पीहू वो क्या है ना,
मैं चॉकलेट बनाने में बहुत एक्सपर्ट हूँ। जब भी मैं ये चॉकलेट्स अपने घर पे बनाती हूँ ना, तो सबसे पहले मैं आपके घर पे भेज देती हूँ, क्योंकि जब सबको पता चलता है ना कि मैंने चॉकलेट्स बनाई है, तो वो आके लेके जाके खत्म कर देते हैं, बचती नहीं है चॉकलेट्स। हाँ, कितना झूठ बोलेगी तू सृष्टि। अरे माँ, बच्चे के सामने इतना झूठ, एक झूठ को छुपाने के लिए देखा ना कितने हजारों झूठ बोलने पड़े तुझे। माँ, और ये तेरी चॉकलेट नहीं खाएगी, क्योंकि ये तूने अपने हाथों से नहीं बनाई है, ये तो तू मार्केट से लेकर आई, कंपनी वालों ने बनाई है। लेकिन ये जो है ना, ये खीर मैंने अपने हाथों से बनाई है और प्यार से बनाई है, इसलिए यही खाएगी। है प्रीता, क्या हुआ, तू तो इतनी परेशान क्यों लग रही है? माँ, क्योंकि मैं कुछ सोच रही हूँ। आज जब मैं मार्केट में थी ना, तो मैंने एक इंसान को देखा और वो हूबहू संदीप जैसा दिख रहा। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि संदीप कैसे हो सकता है। उसके तो पैर पर बहुत गहरी चोट आई है, डॉक्टर तो इतना तक कह रहा था कि पता नहीं कभी जिंदगी में भी चल पाएगा कि नहीं, लेकिन मेरी आंखें धोखा कैसे खा सकती है, वो बिल्कुल संदीप ही दिख रहा था। हाँ, तो तू परेशान मत हो, एक बार हॉस्पिटल जाके देख ले, अगर वहाँ तुझे वो दिखा इसका मतलब तुझने किसी और को देखा था, और अगर नहीं देखा तो फिर वो संदीप ही होगा।